दसवीं कक्षा अध्याय पाँच। अब अध्याय पाँच हम आज करेंगे। अध्याय पाँच है आपका समांतर श्रेणी। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समांतर श्रेणी, समांतर मतलब समान, अंतर श्रेणी मतलब संख्याओं की श्रृंखला। तो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिनके पदों के बीच समान अंतर हो, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हम उदाहरणों से देखते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया 4, 8, 12, 16, इस तरह एक समांतर श्रेणी है। इसको समांतर श्रेणी कब कहेंगे? जब इसके पदों के बीच जो अंतर है वो समान रहेगा। जैसे हम इसको घटाकर देखें, अगर दूसरे पद में से पहला पद 8 में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए तब भी 4, और 16 में से 12 गए 4। तो ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की श्रृंखला जिनके पदों के बीच समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक टैक्सी है जिसके किराए के बारे में जिक्र किया गया है कि टैक्सी का जो पहले किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये है, और उसके बाद वो हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेगा। तो जो पहले किलोमीटर का किराया टैक्सी का, प्रथम किलोमीटर का किराया दे रखा है हमें 15 रुपये, और प्रथम किलोमीटर के बाद के बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया वो है हमारा 8 रुपये। तो पहले हम इसको एक श्रेणी में, समांतर श्रेणी में लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं समांतर श्रेणी बनती है नहीं। तो प्रथम जो पद है हमारा वो 15 है, मतलब कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15। तो इसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगा वो, मान ले 1 किलोमीटर की बजाय 2 किलोमीटर जाना था उसको, तो 8 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी दूसरा जो किराया होगा वो 23 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और जब अगर 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो उसको 8 रुपये और देने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 23 और 8 31 रुपये। ठीक है, अगर 1 और किलोमीटर जाना पड़ेगा तो हो जाएगा 39 रुपये। इस तरह ये श्रृंखला बनती जाएगी। ठीक है, हमने ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। निश्चित ही समांतर श्रेणी होगी, इसमें ए जो है हमारा, ए बोलते हैं हम प्रथम पद को। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ए होगा हमारा प्रथम पद, मतलब इसको ए, ए टू, ए थ्री, ए फोर ऐसे हम बोल सकते हैं। तो डी वन देखते हैं। डी वन मतलब पहले दो पदों के बीच का अंतर, 23 में से 15 गए, ये हो जाएगा 8। तो डी टू देखते हैं, अगले दो पदों के बीच का अंतर, 31 में से 23 गए 8। और डी थ्री देखते हैं, 39 में से 31 गए 8। तो सभी पदों के बीच यहाँ पे क्या है, समान अंतर हमें दिया गया है। तो इस तरह जो श्रेणी है हमारी वो क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, मतलब इस जो समीकरण हमें दी थी क्वेश्चन में, उसका जो है वो जो है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा भाग इस प्रकार है कि एक बेलन में उपस्थित हवा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार उसमें से 1/4 हवा निकाल देता है। मतलब कि एक बेलन है जिसमें आपको कुछ हवा दी गई है, तो हवा की मात्रा में नहीं बताई गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। एक माना बेलन में शुरुआती जो हवा है, माना बेलन में हवा की मात्रा आपको एक्स दी गई है, मतलब उसमें कुल हवा एक्स है फिलहाल। तो पंप प्रत्येक बार में हवा निकालता है, प्रत्येक बार में हवा निकालता है, जितनी निकालता है वो, जितनी भी शेष होगी इसमें उसका 1/4, शेष का 1/4 हवा निकालता है। ठीक है, तो अब इसको समीकरण लिखते हैं इसकी हम। तो मान लो उसमें शुरुआती हवा एक्स थी, तो जब अगली बार में पंप हवा निकालेगा तो कितना निकालेगा, एक्स का 1/4, यानी कि जो हमारे पास कुल हवा थी, हमारे पास एक्स थी, इसमें से कितनी निकल गई, एक्स का 1/4 हवा निकल गई। इसको हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे, पहली बार में हवा कितनी है हमारे पास, एक्स, तो प्रथम बार निकालने के बाद शेष हवा कितनी, x में से हमने इसी की 1/4 मात्रा निकाल दी है।
तो ये हो जाएगा, अगर इसका हम एलसीएम ले तो चार यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होगा, चार में से एक्स, चार एक्स में से एक एक्स भी आगे बचेगा, तीन एक्स बटे चार, तो दूसरा पद हमारे पास आ गया तीन एक्स बटे चार। तो दूसरी बार हवा निकालने के बाद से सब, दूसरी बार हवा निकालने के बाद से सब, तो अब कितनी है हमारे पास, दूसरी बार में ये हवा बची थी, अब इसमें से कितनी निकालनी है हमने, इसी की तीन एक्स की एक बटे चार और, इसमें से एक बटे चार और इसी के एक बटे चार हवा निकालनी, तो ये हो जाएगा तीन एक्स बटे चार माइनस तीन एक्स बटे सोलह। तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले हम तो इसका एलसीएम आ जाएगा सोलह, और ये हो जाएगा चार चौके सोलह, चार तीन बारह, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे तो बारह एक्स माइनस तीन एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास बारह में से तीन गए नौ, नौ एक्स बटे सोलह। तो हमने देखना है अभी एकमात्र श्रेणी है या नहीं, तो देखते हैं, पहला पद एक्स है, दूसरा तीन एक्स बटे चार हो गया, और चौथा नौ एक्स बटे सोलह हो गया। अभी तीन को घटा के देखे तो हमें कोई भी समानता नहीं मिलती, इसके जो अंतर है उसमें समानता नहीं मिलती, ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, निम्न समांतर श्रेणी नहीं है, निम्न समांतर श्रेणी में नहीं है। तीसरा पार्ट हम देखते हैं, एक कुआ है, कुआ खोदने में आई लागत, लागत की जिक्र किया गया है कुआ खोदने की, जो पहले मीटर की जो खुदाई है उसकी जो लागत है डेढ़ सौ रुपए है, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत पचास रुपए हमें दी गई है। तो पहले मीटर की कुएं की प्रथम मीटर की खुदाई की लागत दी गई है हमें एक सौ पचास रुपए। तो प्रथम के बाद अगले प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत वो दी है आपको पचास रुपए, ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो हम इसको समांतर श्रेणी में लिखते हैं, प्रथम जो मीटर की लागत है वो डेढ़ सौ रुपए है, उसके बाद अगर दो मीटर की खुदाई करेंगे तो डेढ़ सौ में पचास और जुड़ जाएंगे, हो जाएगी दो सौ, उसके बाद अगर तीसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो पचास में और जुड़ जाएंगे, हो जाएगी दो सौ पचास, इस तरह आपकी समांतर श्रेणी बढ़ती चली जाएगी, और ये जो है पचास पचास रुपए ही बढ़ेगी, यानी इसके जो प्रत्येक पद के बीच अंतर है वो समान रहेगा, क्योंकि पचास पचास रुपए ही लागत बढ़ती रहेगी। तो क्या लिख देंगे इसमें, निम्न श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये था तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट देखते हैं हम पहले क्वेश्चन का। चौथा पार्ट इस प्रकार दिया है, हमें खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन लिखना है, और जो मूलधन है हमें वो दिया है दस हजार रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर उस पर रहेगी, और दर उसकी आठ प्रतिशत है, तो जो मूलधन है हमारा वो दिया हमें दस हजार रुपए, और दर जो दी है वो है आठ प्रतिशत, तो मिश्रधन लिखना है प्रत्येक वर्ष के खाते का। तो पहले जो वर्ष का, पहले वर्ष का मिश्रधन, तो मिश्रधन जो होता है मूलधन में अगर ब्याज को हम जोड़ दें तो मिश्रधन होता है, तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो दस हजार रुपए जाएगा, क्योंकि अभी उसमें जो प्रथम ही है उसमें अभी ब्याज नहीं लगा है। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का जो ब्याज लगा होगा वो जुड़ जाएगा, तो हम निकालते हैं कैसे, मूलधन गुणा ब्रैकेट एक प्लस दर बटे सौ, और क्योंकि एक वर्ष है तो समय यहाँ पर लिखना है, जितने भी वर्षों का निकालना है एक साथ, यहाँ तो अभी कितना निकालेंगे तो यहाँ पे समय एक ही रहेगा, तो करते हैं इसको हल, ये हो जाएगा दस हजार गुणा, अगर इसको हमसे यहाँ खत्म करें तो ये हो जाएगा एक सौ आठ बटे सौ, वो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, दस आठ सौ, दस हजार आठ सौ रुपये, यानी आठ सौ रुपये इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा है एक साल में, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का निकालते हैं, कितना है तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तो इस पर रहेगा वो दस हजार आठ सौ गुना एक प्लस आठ बटे सौ, तो ये हो जाएगा दस हजार आठ सौ को अगर हम करें तो ये गुना एक सौ आठ बटे सौ, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इनकी गुणा करेंगे तो एक सौ आठ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं एक सौ आठ, ये हमें एक सौ आठ, तो ये हो जाएगा टोटल चौंसठ, आठ का आठ और बीच में तो जीरो है, और ये हो जाएगा एक सौ आठ, तो चौंसठ आठ आठ सोलह, तो ये हो जाएगा ग्यारह हजार छः सौ चौंसठ, ठीक है। तो ये था तीसरे वर्ष का मिश्रधन। अब अगर इनके बीच में अंतर देखे, यहाँ पे था आठ सौ का और फिर हो गया, अगर हम ग्यारह हजार छः सौ चौंसठ में से आठ सौ घटाएं, ग्यारह हजार छः सौ चौंसठ में से अगर हम दस हजार आठ सौ घटाएं तो हमें मिलेगा सोलह में से आठ लेगा आठ, आठ सौ चौंसठ, यानी जो इनमें अंतर है वो समान नहीं है, पहला अंतर था आठ सौ, फिर अगला अंतर आ गया आठ सौ चौंसठ, तो ये जो श्रेणी है समांतर नहीं है, ठीक है। तो इसमें अंत में लिख देंगे निम्न समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर
श्रेणी नहीं है। तो ये था 5.5 के पहले क्वेश्चन का अंतिम पार्ट।